स्लिम मशीन करूं। मशीन बहुत जाम घूम रही है, तो इसके लिए अब हम देखते हैं। बहुत बार आपका भी ये प्रॉब्लम जरूर आता होगा, और लॉकडाउन में भी फिलहाल तो मशीन की दुकान भी बंद है। मेरे खुद के घर की मशीन में मैं आपको बताता हूँ कि अगर मशीन जाम हो रही हो तो एक बारी से जो मैंने खुलाई थोड़ा छोड़ा हुआ जल्दबाजी में हम जब मशीन चलाते हैं तो ये सब चीजों में धागा फंस जाता है। आप अगर ध्यान से देखोगे ये रहा, तो ये बिना शॉप पे ले जाए कैसे हम निकाल पाए। और प्लीज जब तक कोरोना चल रहा है आप अपने घरों में ही रहे, जो भी आप काम कर रहे घर में ही कीजिए, और मैं आपके ये प्रॉब्लम ना आए आपको इसके लिए मैंने आपके लिए छोटा सा वीडियो बनाया है। आपके घर में कुछ भी हो जैसे कि ये, या तो कोई नीडल हो इससे भी हम निकाल सकते हैं, ये मेरे पास अवेलेबल है। इसके लिए मैं इसे कुछ नहीं करना, जहाँ धागा होता है वहाँ इसे थोड़ा ताकत लगा के, थोड़ा और ज़्यादा जाम हो, ये व्हील को एक बार पकड़ के रखें और उसे उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा करके घुमाएं। जैसे ही आपको उसका फंदा हाथ में आ जाए पहले देख ले ये लेफ्ट से घूम रहा है या राइट से घूम रहा है। ये राइट है तो इसे हमें धीरे धीरे खींचते जाना है और धीरे धीरे पीछे की ओर घुमाते जाना है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे इससे क्या होता है कि मशीन थोड़ी जाम चलती है। और अगर मशीन यहाँ धागा पहले एक बार आप चेक कर लें कि इसमें धागा है क्या, ये देख पा रहे होंगे अंदर की साइड में भी कचरा होता है जिसे आप कोई भी ब्रश से साफ कर सकते हैं। ऐसा एक बार साफ कर लीजिए, ये देखिए ये छोटे छोटे जो डस्ट होती है वो हमेशा तकलीफ देती है। तो लॉकडाउन में आप ध्यान रखें कि आपको कहीं मेरे हिसाब से जाना ना पड़े और आपकी मशीन भी बंद ना रहे, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम ये जरूर हर मशीन में होती है, ये होना ही होना है। मैं आपको डायरेक्ट टॉपिक पे आके दिखा देता हूँ, आगे पीछे की कोई बात नहीं बताता हूँ, क्योंकि जब हम मशीन तेजी से चलाते हैं तब ये धागा अंदर की ओर जब टूट जाता है धागा तब अंदर फंसता है। और दूसरी बात, अगर यही चीज शटल के पास होती है तब भी मशीन जाम हो जाती है। अगर शटल के पास भी अगर धागा फंसा हो तो मशीन में से निकाल देता हूँ। और आप सोचते हो जब भी आपकी मशीन जाम चलने लगे आप ये एक बार ये दो स्क्रू खोल के देखें, व्हील वाला इसमें धागा फंस जाए तो क्या करना है, वो तो मैंने बनाया हुआ है। जब यहाँ कभी कभी धागा फंस जाता है उस हिसाब से आप ध्यान रखें। अब हम शटल के पास देख लेते हैं, ये देखिए अलग अलग कलर के तीन चार कलर के धागे यहाँ फंसे हुए हैं, आप देख सकते हो। अगर मान लीजिए आपने धागा निकाला फिर भी मशीन जाम चल रही है, तो ये जो दिया गया है ना इससे ये बुश और शटल जैसे एक, अगर इसमें कोई गैप ना हो, देख पा रहे हो इसमें हल्का सा गैप है, अगर इसमें गैप ना हो तो ये मशीन और बुश में ऑयल न मिलने की वजह से एकदम फिट हो जाता है और थोड़ा सा हेवी चलने लगता है ये मशीन। तो ये ध्यान रखें, आप अगर यहाँ धागा फंसा है तो भी जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होना चाहिए आपके हिसाब से, ये देखिए एक ही तरफ से जो भी हो हल्के हाथ से घुमाइए। ये अंदर की साइड है तो इसे हमें अंदर की साइड ही घुमाना है, ये देखिए ये निकल गया, ये कलर का है। अब देखते हैं और कुछ है क्या इसमें, अगर मान लीजिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इस यहाँ पे दो बूंद ऑयल डाल दे, ऑयल डाले और इसे ठोक दे, मशीन में कुछ नहीं होगा। ठोकना माने इतनी भी जोर से नहीं ठोकना है, एकदम स्लो मोशन में ठोकें ऐसे करके, ठीक है।
तो चलिए एक बार हम फिर चेक कर लेते हैं मशीन को, थोड़े थोड़े दिनों में ऑयल करते रहे, जैसे कि ऐसे मैंने खोला है, यहाँ एक बूंद डाल दिए, यहाँ एक बूंद डाल दिए, इस हिसाब से मशीन जाम नहीं होती। अब देखिए पहले से कहीं ज्यादा फर्क पड़ा है। अब मैं इसे फिर अपनी जगह पर लगा देता हूँ, डोरी चढ़ा देते हैं। पाते तो मशीन जाम घूम रही है, मशीन पानी जैसी फ्री हो गई है, बंद करने के बाद भी मशीन घूम रही है, यानी कि हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख पा रहे होंगे तो कोरोना में ध्यान रखें कि बाहर बिल्कुल ना निकले। अब जो भी 10-11 दिन बचे हैं उसका बड़े प्यार से अपने फैमिली के साथ ही बिताए। तो चलिए मेरी शुभकामनाएं कि आप ठीक रहे। वेलकम टू सिविल मशीन गुरु। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।